नमस्ते सर, नमस्ते सर। पायल बैठ गई। थैंक यू सर। पहले बताइए, हम लोग पहला प्रश्न किस क्षेत्र से करें आपसे? सर मैं सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने इंट्रोडक्शन से ही चाहूँगी कि आप मेरा प्रश्न इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम पायल शर्मा है, मैं साजापुर डिस्ट्रिक्ट के काला पीपल तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर काला पीपल से की है। मैंने शासकीय महाविद्यालय काला पीपल से ही अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। मेरी हॉबी वॉलीबॉल खेलना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखकर के आपने ग्रेजुएशन किया है ना? जी सर। आप बताएंगे कि लोहे में जी सर उसको कठोर बनाने के लिए जी सर लोहे को कठोर बनाकर हम इस्पात बनाते हैं जी सर, तो कठोर बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सर लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन को मिश्रित किया जाता है, उससे लोहा कठोर होता है और इस्पात बनता है। और उसको जंग रहित बनाने के लिए? सर उसके ऊपर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया द्वारा जिंक का लेपन कर दिया जाता है, उससे उसमें उसका जो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस नहीं जंग रहित, तो उसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सर उसमें निकेल और क्रोमियम को भी मिलाते हैं, उससे स्टेनलेस स्टील बनता है। अच्छा, हार्डनेस किस पर डिपेंड करता है? उसकी जो कठोरता है, इस्पात कठोर होता है जी सर, उसकी कठोरता किस पर निर्भर करती है? सर कार्बन की अधिक मात्रा पर निर्भर करती है, मैं श्योर नहीं हूँ पर जहाँ तक ये। आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में जानती हूँ, समस्थानिक और समभाजक जी सर, क्या है? सर ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है उनको समस्थानिक बोलते हैं। और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या वेरी करती है कि न्यूट्रॉन की? एक सेकंड में सर इसमें सोचना चाहूंगी। सर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या वेरी करती है। आइसोटोप्स में कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, न्यूट्रॉन्स वेरी करता है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। चलिए, आप फिजिक्स आपने पढ़ा होगा जी सर। घर में चश्मा कौन कौन पहनता है? सर दीदी पहनती है जी। और मम्मी? मम्मी नहीं, पापा पहनते हैं। पापा पहनते हैं ना, तो दीदी और पापा को क्या प्रॉब्लम है, शॉर्ट साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस? सर दीदी को जो है निकट दृष्टि दोष है और पापा का मुझे पता नहीं, मैंने आज तक उनसे मालूम नहीं किया। दीदी का पता है मुझे। क्यों, क्या होता है दीदी को, क्या समस्या आती है देखने में? सर जो उन्हें दूर का जो है वो धुंधला दिखाई देता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है निकट दृष्टि दोष? आँख में कोई समस्या आती होगी जी सर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? सर निकट दृष्टि दोष में जो फोकस है, आई का फोकस है वो कम हो जाता है, जो जो वस्तु है उसका फोकस जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो जो रेटिना से थोड़ा दूर बनता है। सर मैं श्योर नहीं हूँ। लेंस इसमें गड़बड़ होता है कि रेटिना गड़बड़ होती है? सर इसमें लेंस लेंस का गड़बड़ रहता है। लेंस क्या कर देता है? फोकस कम कर देता है या बढ़ा देता है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है कि आगे बन जाता है? सर मैं इसमें समझ लूंगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है जी सर। पायल जी सर, कि आंख में दो तरह की समस्या होती है ना जी सर, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जी सर, इसको आप निकट दृष्टि दोष और दिल जी सर। तो आंख में क्या होता है, किसी मामले में क्या होता है कि आपका जो आई बॉल है वो सिकुड़ जाता है जी सर, ऐसे ही माना स्टैंडर्ड साइज ये होना चाहिए जी सर। तो किसी मामले में क्या होता है, सिकुड़ जाता है जी सर, और किसी मामले में वो फैल जाता है जी सर। जब फैल जाएगा तो क्या होगा कि जो फोकल लेंस होगा ना, यानी रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, रेटिना के पहले बन प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। और जब सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेचुरली वो जी सर, तो लेंस में गड़बड़ी नहीं होती है फोकल। अब ये बता दो खाली जल्दी से जी सर, कि दीदी को चूंकि आपने खुद बताया कि निकट दृष्टि दोष है जी सर, तो किस लेंस का चश्मा पहनने के लिए कहा जाता है? सर अवतल लेंस का चश्मा पहनें। अवतल लेंस जी सर। अवतल लेंस क्या करता है? सर अवतल लेंस फोकस फोकस को बढ़ा देता है। अच्छा जी सर, फोकस को बढ़ा दे। अब जल्दी से ये बता दो, आपने आप वॉलीबॉल भी खेलती है ना जी सर, क्या फायदा मिलता है वॉलीबॉल खेल करके? सर एक फिजिकल फिटनेस रहती है, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि फिजिकल फिटनेस रहती है, हम अपने गोल के प्रति फोकस रहते हैं क्योंकि हमें इसमें भी बिल्कुल कंसंट्रेट होके फोकस करना होता है।
सेकंड सर, इससे हम टीम वर्क सीखते हैं, क्योंकि वॉलीबॉल में हम एक टीम में खेलते हैं, तो हम इससे टीम वर्क सीखते हैं। चलो पायल, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। एक बताओ जी सर। अपने जॉब से रिलेटेड कि आप का चयन कर लिया गया जी सर। है ना, तो होगा जहाँ तक लग रहा है कि आपका चयन होगा, आपका चयन कर लिया गया जी सर। और आप जब कार्यस्थल पर पहुँची जी तो सर। आप देखने में भी सुंदर है। थैंक यू सर। तो कुछ लोग बहकेंगे जी सर। आपके साथ, कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको अच्छा नहीं जी लगेगा। सर, मैं समझ रहा। क्या करेंगे आप, यानी सीधे सीधे कहें कार्यस्थल पर जी सर। जो उत्पीड़न होता है ना, जी सर। उस समस्या का आप शिकार बन गई, ईश्वर न सर करे ऐसा, लेकिन ये जी तो सर। आपसे हम जानना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सब पहली बात, मैं मुझ में इतनी समझदारी है कि अगर मुझ कुछ ऐसा उत्पीड़न होता है तो मुझे समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करूंगी, जो भी मेरे साथ ऐसा करेगा उनको आप पहले उसको समझाएंगे नहीं? पहले मैं व्यक्तिगत स्तर पर उनको प्रयास करूंगी बताने का कि ये सब ना करें, ये गलत है। फिर भी अगर वो ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो मैं अपने सीनियर्स को बताऊंगी, या फिर मैं अपने स्तर पर भी जो कार्रवाई हो सकेगी वो करूंगी। क्या करेंगे, कौन सी कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो कई तरीके से है, जी सर। रिवॉल्वर लाया, शूट भी कर दिया, नहीं सर, ऐसी पत्थर नहीं, लिया, जो सिर्फ। लीगल कार्रवाई रहेगी अच्छा वही। अच्छा हाँ, क्या कार्रवाई करेंगे, यही बोलना है, लीगल कार्रवाई करेंगे। जी सर। तो क्या करेंगे लीगल कार्रवाई? सर, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो उत्पीड़न हो रहा है तो मैं पुलिस थाने में सूचित कर सकती हूँ। हाँ, तो क्या कोई कानून है? जी सर। कौन सा कानून है? सर, मैं अभी कानून याद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अच्छा पोक्सो एक तो शायद है, कार्यस्थल पर महिलाओं यौन का का यौन यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 है जी सर। ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन को बता दीजिए, जी सर। विशाखा गाइडलाइन के बारे में जानती कुछ? सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। इसी मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, जी इसी सर। विशाखा गाइडलाइन के आधार पर जी सर्वोच्च न्यायालय ने जी सर है ना कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जी सर। और सर्वोच्च न्यायालय के इसे दिशा निर्देश को आधार बना करके केंद्र सरकार ने ये 2013 वाला कानून पारित किया। जी सर। ये विशाखा गाइडलाइन किस संदर्भ में दिया गया था? सही, महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से संबंधित ही होगा। कोई घटना घटी थी? चलिए मैं स्कूल देता हूँ, राजस्थान में घटी थी। सर, ऐसा नहीं है आइडिया, सर मुझे पता नहीं है। बेटा ये बताएं जी सर कि शाजापुर जी सर में कौन सा वन व्रत है? सर, शाजापुर में उज्जैन वन व्रत लगता है। उज्जैन वन व्रत जी सर। आप बेटे एसडीएम क्यों नहीं बन जाती हैं? आप इधर क्यों आना चाहती हैं फॉरेस्ट में? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फॉरेस्ट के प्रति, प्रकृति के प्रति लगाव ज्यादा है, और उसके अलावा मेरी दीदी ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर हैं, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा तो मिली है। एक बहन जो है फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट गार्ड रहे, और दूसरी जो है पुलिस पे आ जाए, एसडीओ ये बन जाए, एसडीओ बन जाए, या फिर एसपी बन जाए। जी सर। ऐसा नहीं कर सकते? सर, कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है फॉरेस्ट मल्टी डायमेंशनल जॉब है, और मेरा उद्देश्य है कि मुझे ट्राइबल पीपल के लिए। क्या है एक वन व्रत? उज्जैन वन व्रत के अंतर्गत शाजापुर की क्या है? सर, एक वन मंडल है शाजापुर। वन मंडल? जी सर, वन मंडल है। तो यहाँ पर पदाधिकारी का नाम क्या है? श्री मयंक चंडीवाल जी यहाँ के डीएफओ हैं सर। डीएफओ जी सर, है ना। अब इनके अधीन जो है क्या सर रहेगा? मंडल रहेगा, मतलब डिवीजन है नहीं? जी सर, डिवीजन इनके, है इनके अंदर सब डिवीजन। सब डिवीजन, सब डिवीजन पे कौन से अधिकारी हैं? सर, अभी वो पता नहीं है, क्योंकि सब डिवीजन तीन चार। कौन सी रेंज लगती है आपका जो डोराबाड़ है? सर, हम सुजालपुर रेंज के अंतर्गत। सुजालपुर रेंज, यहाँ पर रेंज ऑफिसर कौन है? सॉरी सर, पता भाई आपकी तो रुचि है ना इस विभाग में। जी सर। रुचि है तो आपको अधिकारियों के नाम नहीं पता अपने क्षेत्र के? सॉरी सर, मैं इसको मालूम कर लूंगा। चलिए ये बताइए जी सर, शाजापुर में कितना वन क्षेत्रफल है? सर, वन क्षेत्रफल 61 स्क्वायर किलोमीटर है शाजापुर में, ठीक है, जो वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया का 1.01% है। 1.01% है कि 0.02 है? 1.0102 समथिंग। तो ये बताएं जी सर कि शाजापुर क्षेत्र में जी सर वन तो ज्यादा है नहीं जी सर, फिर भी यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है दीनदयाल वनांचल सेवा योजना जी सर। वो क्या है दीनदयाल वनांचल सेवा योजना? सर, दीनदयाल वनांचल सेवा स्पेसिफिक शाजापुर में नहीं चलाई जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर है, मध्य जी प्रदेश सर में चलाई जा रही है। क्या है ये योजना? सर, इसमें वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सर मुझे एग्जैक्ट पता ना, नहीं ना, पर वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी है ये।
सॉरी सर, वनवासियों के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही, सॉरी सर, इसलिए चरण पादुका योजना एक चलाई गई थी। जी सर। वो क्या है सर? चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए लाई गई थी, जो सिंगरौली जिले से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको चप्पल, जूते, छाता, ये सब प्रदान किए जाते हैं। चलिए, वन गलियारा योजना क्या होती है? सर, जो वन गलियारा है वो नेशनल पार्क फॉरेस्ट को जोड़ते हैं, तो जो क्या लाभ मिलता है सर? जो वाइल्ड लाइफ है उनको जाने आने का रास्ता मिल जाता है। क्यों? उनको घूमने फिरने की छूट दे रहे हैं क्या? नहीं सर, कॉरिडोर्स मतलब उनको, सॉरी, कोई आपाती स्थिति के लिए, ऐसा बोलिए ना। हाँ जी सर, कोई सी आपाती एक स्थान से दूसरे स्थान पर आग लग जाती है। जी सर। चलिए ये बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में जो है प्यारी बहनों के लिए जो है कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? जी सर। कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? लाडली बहना, क्या ये स्कीम बेटा? सर, लाडली बहना योजना अभी 2023 के बजट में लाई गई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। जी सर, इसमें जो महिलाएं हैं जिनके परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। कोई उम्र वगैरह का बंधन है? जी सर, इसमें 23 से 60 साल तक का उम्र होना चाहिए और विवाहित होना चाहिए महिला। विवाहित होना चाहिए? जी सर। विवाहित मतलब शादीशुदा को मिल जाए? जी सर। कि वो परित्यक्ता होना चाहिए? जी सर, विवाहित और परित्यक्ता भी इसमें इंक्लूड है और विधवा भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये बताएं, इसके अलावा जो चलाई गई थी लाडली लक्ष्मी योजना, वो क्या थी? जी सर, लाडली लक्ष्मी योजना सर 2007 में आई थी। इसमें जो बेटियां हैं जो 2 संतान तक हैं उनको 1,18,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अभी जो 2.0 आया है इसका स्कीम, उसमें 1,43,000 रुपये इस राशि कर दी एक गई। साथ दे देंगे? नहीं सर, एक साथ नहीं दी जाती है। इसमें 9th क्लास में पहले 2,000 रुपये दिए जाते हैं, फिर 12th में 2,000 रुपये दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम पे 25,000 रुपये दिए जाते हैं, और फिर बाकी की राशि विवाह के समय दी जाती है। जी सर। 21 वर्ष तक? जी सर। जी सर, 21 वर्ष के पहले शादी करने पर? नहीं सर, 21 वर्ष के, 21 वर्ष की उम्र है ना। जी सर। चलिए ये बताइए बेटा, जैसे सर ने आपसे पूछा था, जी सर, तो हमारे यहाँ एक स्कीम चलाई जाती है तेजस्विनी योजना। जी सर, है ना? वो क्या है योजना सर? मुझे पता नहीं है। महिलाओं के लिए है ना? जी सर। तेजस्विनी योजना है? जी सर, मैं देख लूंगी। शक्तिमान योजना क्या है? इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं इनको देख लूंगी सर। महिलाओं को एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उससे, उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? सर, लालिमा अभियान चलाया गया है। लालिमा अभियान? जी सर। इस अभियान के अंतर्गत सर, इसमें एनीमिया से मुक्त करने के लिए महिलाओं को पोषण दिया जाता है, कुछ ऐसा। एनीमिया का एक खतरनाक रूप भी आजकल मध्य प्रदेश में बहुत फैल गया है, क्या है वो सर? इसकी जानकारी? एनीमिया ऐसा कुछ नाम है, सिकल सेल एनीमिया सर। वो सर, ये एक ऐसी समस्या है सिकल सेल एनीमिया जिसमें जो कोशिका है वो हाशियाकार हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ। बस इतना। ये वंशानुगत होती है, नहीं होती है सर? ये वंशानुगत ही होती है। सिकल सेल को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? सर, अभी सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम आ रहा है जिसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे शहडोल में। ठीक है। पायल जी। जी सर, फॉरेस्ट रेंजर के कार्य बताइए। सर, फॉरेस्ट रेंजर के अगर मैं कार्य देखूँ तो फॉरेस्ट रेंजर 4 से 5 विंग्स में डिवाइड होते हैं। एक टेरिटोरियल होते, एक वाइल्ड लाइफ का होता है, एक सोशल फॉरेस्ट्री का होता है, एक एक्शन प्लान के होते हैं। ऐसे सबके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो टेरिटोरियल रेंजर होते हैं उनके कार्य अगर मैं देखूँ तो जो होता है अपनी रेंज के फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, और जो अपने सबऑर्डिनेट हैं उनको मॉनिटर करना कैसे कार्य करते हैं, उनको आदेश देना, और अपने अपर अधिकारी, अगर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कुछ कार्य दिए जाते हैं तो उनको पूरा करना। आपकी बहन वन रक्षक है? जी सर। सो उन्हें कितना चलना पड़ता है? सर, जब उनका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद तो जो क्राइटेरिया था वो 14 किलोमीटर चलना पड़ा था, लेकिन अभी वन क्षेत्र में वो संजीवनी में कार्यरत हैं देवास में, तो उसमें चलने का अभी ऐसा कुछ काम नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ उनका कोई अनुभव उनने कोई साझा किया आपसे?
जी सर, वो संजीवनी के बारे में मुझे मेडिसिनल प्लांट वगैरह के बारे में अधिकतर बताती रहती हैं कि किससे क्या फायदे होते हैं। और वास्तविक स्थिति को मतलब ये भी हो सकती है ना कि कई हो सकता है तनावपूर्ण स्थिति भी रही हो। जी सर। इसके बावजूद आप इस क्षेत्र में आना चाहती हैं? सर मुझे लगता है मैं सारे तनाव को आसानी से मैनेज कर सकती हूँ। मैं अच्छी स्ट्रेस मैनेजर हूँ तो मैं आसानी से सब। ऐसे स्ट्रेस मैनेजर की आवश्यकता हमें प्रशासन में है। जी सर। सर वन क्षेत्र का भी प्रशासन ही एक तरह से वन को भी प्रशासित करना। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? सर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, इसमें अनुसंधान के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, इसमें अनुमति के द्वारा कुछ कुछ चीज़ें अलाउ होती है, जैसे ग्रेजिंग वगैरह अलाउ कर सकते हैं। और जो नेशनल पार्क। ठीक ठीक सॉरी। आपकी तीन स्ट्रेंथ जी सर, और तीन वीकनेसेस बताइए। जी सर, मेरी तीन स्ट्रेंथ, एक मैं क्विक लर्नर हूँ, दूसरी मुझमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, और एक मैं सेल्फ मोटिवेटिंग इंसान हूँ। और वीकनेस की बात करें तो सर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्विमिंग सीखना सही रहेगा अगर मुझे फॉरेस्ट में, अगर किसी वाटर शेड वगैरह में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, स्विमिंग नहीं आती है। दूसरा मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, वो मुझे सीखना है। और तीसरा अगर मैं मेंटल लेवल पे बात करूँ तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, ये मेरी वीकनेस है। जी, इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आया है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। जी सर। तो आप राजनीति में क्यों नहीं जा रही हैं? सर मुझे राजनीति पर्सनल लेवल पे उतनी पसंद नहीं है जितना मुझे, क्योंकि पापा का भी सपना था कि मुझे जॉब ही करना है, और मुझे भी राजनीति पर्सनल लेवल पे उतनी पसंद नहीं है जितना मेरे को पसंद। हमारे लोकतांत्रिक, हमारा लोकतांत्रिक देश है। जी सर। तो यहाँ राजनीति के बिना तो काम ही नहीं होगा। जी सर। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? सर ओवरऑल ठीक था, मतलब मुझे कुछ योजनाओं पे और ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ना, आपका ऐसा नहीं है, आप बोलती अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक है आपका, है ना? जी सर। दो तीन चीज़ को ठीक कर लीजिए। सर ने जैसे पूछा आपसे, क्योंकि आप खुद महिला हैं। जी सर। आपके राज्य में महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं। जी सर, वो मैं बढ़िया से पढ़ लीजिए। जी सर। दूसरा, फॉरेस्ट में क्यों आना चाहती हैं, तो इसमें आपने अच्छा सुन लिया। थैंक यू सर। और जो भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसको लॉजिकली प्रूफ बताइए। जैसे हमने आपसे पूछा कि जैसे आप गई हैं और आपको ये समस्या आ जाएगा। जी सर। तो आपने बताया है ना, उसको एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी सर। अचानक आप सीधे कानून पर नहीं भिजाएंगे। जी सर। तो बाद में आपने ठीक बताया कि भाई हम उससे खुद मिल के बात करेंगे, अपने सीनियर को बताएंगे, नहीं होगा तो फिर हम जी सर जो है ना वैधानिक कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, और फिर उसमें हम ये करेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जैसे सर ने पूछा अपना कमजोरी और अपना सफलता बताइए। सफलता तो बताया ठीक है, कमजोरी तपाक से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब बोले कि भाई पता ही है तुम्हें कमजोरी है तो क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया। जी सर, मैं ठीक इसका ध्यान रखूं। तो उसको बताओ कि सर मुझे लगता है कि सर मेरी नज़र में तो मुझे मुझमें सर सर ईश्वर छोड़कर कोई आदमी कम्प्लीट तो है नहीं, लेकिन फिर भी सर मेरे अंदर वैसी कोई कमी जो बहुत नुकसानदायक हो मुझे नहीं लगता मुझमें है। फिर भी बोले नहीं, कुछ तो होगा, भगवान ने बोले, भगवान नहीं बोला। हाँ सर होगा, लेकिन आप बेहतर आकलन कर सकते हैं मेरे अंदर क्या कमजोरी है। ठीक है सर। बोले नहीं, फिर भी तुम बताओ। तो ये बतानी है ना, तब एकात बताना, ये लाइन में लगा देना, ये भी नहीं आता है ना, एकात बता देना। मतलब अच्छे अधिकारी के गुण हैं, और आप जब किसी को अपने कमजोरियां बताते हैं तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं ना, इसलिए। जी सर। ठीक है। ठीक है।